स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस लेक्चर में आपसे शेयर किया था कि निक्षेपी के क्या कर्तव्य हैं। अब हमें आपसे ये बताने जा रहे हैं कि निक्षेप गृहीता के क्या कर्तव्य या उत्तरदायित्व हैं। निक्षेप गृहीता का तात्पर्य वो व्यक्ति जो कि निक्षेप के अनुबंध के अंतर्गत निक्षेपी से माल ग्रहण करता है। जैसे कोई स्टूडेंट है, आपका साथी है, वो आपसे बुक्स 3 दिन के लिए पढ़ने के लिए लेता है, तो वो जो स्टूडेंट बुक्स लेता है वो निक्षेप गृहीता कहलाएगा और आप निक्षेपी कहलाओगे। तो निक्षेप गृहीता के क्या कर्तव्य हैं, हम इस बात पर डिस्कस करने जा रहे हैं। उसमें पहला है कि निक्षेपित माल की उचित देखभाल करना। कहने का तात्पर्य यह है कि निक्षेप गृहीता का एक कर्तव्य है कि जो माल उसने निक्षेप के अनुबंध में निक्षेपी से प्राप्त किया है, बैलर से प्राप्त किया है, उसकी प्रॉपर ड्यू केयर करे, उसकी लुक आफ्टर करे, उसकी देखभाल करे, उसमें लापरवाही नहीं बरते और उसको अपना माल समझकर ही पूरी ड्यू डिलिजेंस से उसकी देखभाल करे। ये उसका सबसे पहला उत्तरदायित्व है। फॉर एग्जाम्पल, आपने निक्षेप के अनुबंध के अंतर्गत अपने फ्रेंड से कोई गाड़ी प्राप्त की, 3 दिन के लिए आपने अपना काम चलाने के लिए उससे कहा 3 दिन मुझे गाड़ी दे दीजिए, गाड़ी उसने दे दी, तो आप ये ड्यूटी बाउंड हो कि उस गाड़ी की पूरी देखभाल करें, वो गाड़ी कहीं चोरी नहीं हो जाए, कहीं आग नहीं लग जाए, कहीं उसके कोई गाड़ी में कोई समस्या पैदा नहीं हो जाए, तो इस पर देखभाल करने का दायित्व तो निक्षेप गृहीता का होता है, सेक्शन 151 और सेक्शन 152 के अंतर्गत। दूसरा महत्वपूर्ण दायित्व तो होता है कि निक्षेप की शर्तों के विरुद्ध कार्य नहीं कर रहे। आपको निक्षेप की शर्तें जो होती है, वो गाड़ी उसने आपको यूज करने के लिए दी थी और आपने उस गाड़ी को यूज करने की बजाय कहीं ले जाके किराए पे दे दिया, तो ये निक्षेप की शर्तों के विपरीत होगा। तो ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। निक्षेप गृहीता की ड्यूटी है कि निक्षेप के अनुबंध की जो शर्तें हैं उन शर्तों के अनुसार ही कार्य करे, उन शर्तों के विपरीत कार्य नहीं करे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप किसी वॉशरमैन को कपड़े धुलाई के लिए देते हैं, तो वॉशरमैन के बीच में आपके बीच में निक्षेप का अनुबंध होता है, वो धुलाई करके आपको कपड़े लौटा दे, पता लगा कि वॉशरमैन वॉशिंग करने के पश्चात खुद पहन के घूम रहा है, तो ये शर्तों के खिलाफ है, अनुबंध की शर्तों के खिलाफ है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि निक्षेप गृहीता अनुबंध की शर्तों के अनुसार कार्य करे। अगला है कि माल का अनाधिकृत उपयोग नहीं करे। अनाधिकृत उपयोग भी नहीं करना चाहिए, अनऑथराइज यूज भी नहीं करना चाहिए। ये उसी के अंदर निहित है कि माल की शर्तों के, निक्षेप की शर्तों के विपरीत कार्य नहीं करे। वो उसके अंतर्गत अनाधिकृत उपयोग भी आ जाता है कि उस माल का अनऑथराइज यूज नहीं करे। जिस काम के लिए आपको वो माल दिया गया है, जिस उद्देश्य के लिए दिया गया है, उस उद्देश्य से ही उसको निक्षेपित माल का यूज किया जाए। फिर है निक्षेपित माल को अपने निजी माल में नहीं मिलाना। निक्षेप गृहीता की ड्यूटी है कि अपने पर्सनल गुड्स के अंदर जो माल निक्षेप के लिए रखा गया है उसके अंदर वो नहीं मिलाए, उसके अंदर मिक्स नहीं करे। निक्षेपित माल को अलग रखे, स्वयं के माल को अलग रखे, ताकि आवश्यकता पड़ने पर जब उद्देश्य पूरा हो जाए तब वह माल मूल रूप से निक्षेपी को लौटाया जा सके। अगर उसने माल मिक्स कर दिया और उसको अलग नहीं किया जा सकता तो बड़ी समस्या पैदा हो जाएगी, वह अनुबंध की शर्तों के विपरीत हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, एक्स पार्टी ने वाई पार्टी के पास कुछ ऑयल निक्षेप करने के लिए रखा, अब वाई पार्टी ने उसने ऑयल को अपने ऑयल में मिला लिया, अब इट कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, तो ऐसी स्थिति में बड़ी परेशानी, शर्तों के विपरीत काम हो जाएगा। इसलिए निक्षेप गृहीता की ड्यूटी है कि वो अपने माल के अंदर निक्षेपित माल को नहीं मिलाए, उसको अलग रखे और अपने माल को अलग रखे। इसके बाद नेक्स्ट है कि निक्षेपित माल को लौटाना। जो माल निक्षेपित किया गया है उसको अनुबंध पूरा होने पर या उद्देश्य पूरा होने पर उस माल को निक्षेपी को लौटाना पड़ेगा, निक्षेप गृहीता को, यानी निक्षेप गृहीता को पर्पज पूरा होने के पश्चात उस माल को लौटाना पड़ेगा, उसको लौटाने की उसकी जिम्मेदारी है। सेक्शन 160 के अनुसार लौटाने का उसका दायित्व है। फिर है माल में हुई वृद्धि वाला लाभ के साथ माल को लौटाना। कई बार कुछ माल ऐसा होता है जो कि वृद्धि या लाभ होता है, जिसमें सरप्लस होता है, उसमें अपने आप वृद्धि होती है। फॉर एग्जाम्पल, एक व्यक्ति ने 6 महीने के लिए
कोई 3 गाय 2 बैल रखे कि भाई आपके पास रख लो इनको, जब तक मैं 3 महीने बाद बाहर यात्रा से आ जाऊंगा तो मुझे वापिस लौटा देना। अब 3 महीने में मान लीजिए 2 बछड़े हो गए, तो बछड़े जो इंक्रीज हुई है वो इंक्रीज सही में सहित निक्षेप गृहीता की ड्यूटी है कि वो निक्षेपी को लौटाए। अगर कोई सरप्लस हुआ है तो उसको भी उसको लौटाने की जिम्मेदारी होगी। निक्षेपी के अधिकार में रुकावट उपस्थित नहीं करना, निक्षेपी के जो भी अधिकार हैं उसके अधिकार में किसी तरह की रुकावट पैदा नहीं करने का दायित्व तो निक्षेप गृहीता का होता है, क्योंकि मालिक, उस माल का मालिक, ऑनर या टाइटल हमेशा निक्षेपी की रहती है। केवल निक्षेप गृहीता तो केवल पोजीशन होल्डर ही होता है। तो ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है कि निक्षेप गृहीता के क्या क्या कर्तव्य हैं, क्या क्या दायित्व हैं। सेक्शन 163 तक ये डिस्क्राइब किया गया है, इनको निक्षेपी के कर्तव्य, निक्षेपी के कर्तव्य और निक्षेप गृहीता के कर्तव्यों को आपको देख लेना चाहिए ताकि कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाए। थैंक यू।